So the next topic which we are going to discuss is radar range equation. Already we have discussed it in unit 1, at the beginning of unit 1, but it is asked in your unit 3 also. It is given in your unit 3 as a question. Write the simple equation, radar range equation, and the primary reasons of the failure of this equation. That means हमें mainly यही mention करना है कि what are the reasons of failure of this equation, कहाँ fail होती है और क्यों fail होती है. सो रडार रेंज इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहले भी मैंने बताया था यूनिट 1 में. सो इट इज गिवन एज आर मैक्स इक्वल टू पी टी जी ए ई सिग्मा अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू एस मिन टू द पावर टू द होल पावर 1/4, वेयर पी टी इज द ट्रांसमिटेड पावर इन वॉट्स, जी इज द एंटीना गेन, ए ई इज द एंटीना इफेक्टिव अपर्चर इन मीटर स्क्वायर दैट मींस इन द एरिया, and sigma is the radar cross section of the target, wo bhi area hi ho gaya, meter square is the unit hai, and s min is the minimum detectable signal, that means signal strength, jo ki power ke form mein hai, to usko watt unit uski kya hai, watt. Now the thing is the reasons for the failure of this equation. To kya kya reasons hai? The first reason is the statistical nature of the minimum detectable signal, usually determined by the receiver noise. मतलब statistical nature of the minimum detectable signal का मतलब क्या है कि signal जो detect किया जा सकता है वो एक particular value तक ही किया जा सकता है, उसके ऊपर की value को कोई detect नहीं कर पाता, जो कि किस वजह से limited है, receiver का noise. क्योंकि अगर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे range detection की, comparatively noise भी बढ़ती जाएगी, और नॉइज अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल से, एक डिफाइंड लेवल से अगर हाई हो जाएगी तो वो रिसीवर जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा. सो रिसीवर की जो नॉइज है, बिकॉज ऑफ दैट मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल जो है वो भी लिमिटेशन हो जाती है, फेल हो जाता है, प्रॉब्लम करता है, नहीं कर पाते हम डिटेक्ट ज़्यादा बढ़ दूर तक का सिग्नल. दूसरा है फ्लक्चुएशंस एंड अनसर्टेनिटीज इन द टारगेट्स रडार क्रॉस सेक्शन. तो जो क्रॉस सेक्शन है वो अनसर्टेन हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन हो सकती है, कभी बड़ा टारगेट होता है, कभी छोटा होता है, तो जब बड़ा और छोटा होगा तो आगे फेल हो जाएगा. उसके बाद में लॉसेज एक्सपीरियंस थ्रू आउट द रडार सिस्टम, तो बहुत जगह लॉसेज होते हैं, वो भी इस इक्वेशन में कंसिडर नहीं किए जाते, तो वहाँ पे भी फेल हो जाती है अगर बहुत लॉस होता है. नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर. तो ऐसे कोई इफेक्ट्स इस इक्वेशन में कंसिडर नहीं किए गए जिसको कि अर्थ की कर्वेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना हो, जिसकी वजह से हमारी इस इक्वेशन में चेंज आए. दैट मीन्स अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के जो भी इफेक्ट्स हैं उनको इस इक्वेशन में कंसिडर नहीं किया गया है. सो इट फेल्स व्हेनेवर वी हैव टू कंसिडर द प्रोपेगेशन इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अर्थ सरफेस और अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस क्योंकि इस इक्वेशन में कंसिडर नहीं की गई है, इसलिए दिस इक्वेशन फेल्स इन सर्टेन कंडीशंस. ओके, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन?